सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात वह सबसे शुभ है और जो दुनिया भर में शुभता का प्रतीक है, वह शुद्ध और पवित्र है। वह उन लोगों की रक्षा करती है जो उनके प्रति समर्पण करते हैं और उन्हें तीनों लोगों की माता भी कहा जाता है। वह है गौरी, पर्वत राजा की बेटी। हम बार बार माँ दुर्गा को नमन करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अक्सर हम माँ दुर्गा की छाया हर नारी में देखते हैं और देवी मानकर उनको पूजते भी हैं। नारी का सम्मान हमारा अभिमान होना चाहिए, परंतु बहुत दुख होता है यह देखकर कि इसी देश में, जिसको हम भारत माँ भी बोलते हैं, वहां बहुत सी महिलाएं अभी भी असुरक्षित महसूस करती हैं। जहां नारी को एक तरफ भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जो खुद को मर्द बोलते हैं और एक झटके में हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी प्रतिष्ठा को कुचलकर हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देते हैं। ये सवाल है आपसे, सबसे और खुद से, कि क्या इसी तरह हमारे समाज में एक औरत का अपमान और अनादर होता रहेगा? क्या एक औरत कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी? क्या वो हमेशा एक अनकहे डर में जिएगी? हमेशा से ये ज्ञान पीढ़ियों को ही दिया जाता है कि आप सुरक्षित रहें, शांत रहें, एडजस्ट करें। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या आपने कभी अपने बेटे को समझाया है या सिखाया है कि एक लड़की और उसके मान और मर्यादा की रक्षा किस तरह की जाती है? एडुकेशन स्टार्ट होती है घर से, सिर्फ एक स्कूल कॉलेज जाके किसी डिग्री से नहीं। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। रेप सिर्फ और सिर्फ एक नपुंसक मर्द की गंदी सोच, कायरता और गलत परवरिश का एक खौफनाक नतीजा है। कैसे आती है ऐसी खौफनाक सोच? कैसे बनते हैं ये दरिंदे? इन सारे सवाल को देखते हैं और खुद ही डिसाइड करते हैं कि यार, क्रिमिनल्स आर बॉर्न और मेड। सारा दिन टीवी देखते रहते हो, अपना प्रोजेक्ट किया कि नहीं? राहुल, कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं तुमने, अपना सारा ध्यान पढ़ाई में रखो। ये लड़का मेरी एक बात नहीं सुनता है, आ जाने दो आज तुम्हारे पापा को।
मैं एक इंसान हूं, मैंने गुनहगार का रूप धारण किया है, मेरे हालात ही ऐसे बन गए। बचपन से मैंने उसी के हिसाब से अपने आप को ढालना सीखा था। जब जब भी मैंने खुद की सोच लानी चाही, मेरी आवाज को दबा दिया गया। आखिर में मुझे दर्द की आदत पड़ गई थी। इसी के साथ मैं बड़ा हुआ। दूसरों को दर्द देकर मुझे मजा आने लगा। मानो एक जुनून सा आ गया मुझ में, एक हैवानियत सा गुस्सा भरा हुआ था। मैं दो रूप लेके जिंदगी चला रहा था, एक जो समाज के साथ चलना और दूसरे में मैं, सिर्फ मैं, और अब मेरा शिकार। अबे अबे कैसा दारू है बे, नशा भी नहीं चढ़ता, हटा इसे। अबे कैसा चलेगा जब तक लोंडिया का टच नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बोला बे, इतना मेहनत करने के बाद तो ब्रेक बनता है। थकान तभी दूर होगी जब तीनों अमृत चखेंगे। साले, अबे साले, इतनी जल्दी है तो चल चांदनी बाजार। रेड लाइट एरिया बहुत कड़ी है, थोड़े चारे डालेगा मक्खियों के तरह पिन बिना के आएगी। फिर तुम्हारा प्यास पूरी कर लेना। मैं कुछले हुए फूलों को देखता भी नहीं, मुझे तो घर के बागीचे में खिली हुई फूल ही चाहिए। सड़क पे निकलो हजारों मिलेगी, अरे बहुत देखा है ऐसा होता है। फिर अपने बाहों में जकड़ कर उछल डालो। विश्राम का नशा क्या, तीनों जन्नत घूम लेंगे। यार उसने शोर मचाएगी साली, एक ही आवाज में सारा शहर को इकट्ठा कर लेगी। काटूंगा साली को, कोई शोर नहीं मचाएगा। काट दूंगा। Today, Avani's case has been postponed again due to lack of evidence and witnesses. Criminals are free to go. What will be the outcome? Are we living in the safe world? ए माँ छुपा ले मुझे अपने आंचल में, क्योंकि तू ही तो है
जो बे इंतहा प्यार करे। की कोशिश सब ने कि ना आने पाऊं मैं इस दुनिया में, और आ भी गई तो झोली भर दी मेरी तानों से। मत हंसना तू जोर से, ये अच्छी लड़की के गुण नहीं। ना अकेले निकलना बाहर तू, क्योंकि दरिंदों की नजर चील से कम नहीं। पहना हो तुमने कुछ भी, अरे भले ही बुरका, इससे बुरी नजर वालों को फर्क कोई नहीं पड़ता। ये मत करो, वो मत करो, क्यों सभी पीछे पड़े रहते हैं? अरे ये मत करो, वो मत करो, क्यों सभी पीछे पड़े रहते हैं? क्यों सांस लेने नहीं देते? क्यों जीते जी मरने को कहते हैं? बस अब और नहीं, बस अब और नहीं, अपने हौसलों को नहीं कुचलने दूंगी मैं हैवानियत और दरिंदगी से भरे राक्षस को। नहीं बख्शूंगी मैं। साली बहू बेटियां रात में थोड़े ना घूमती हैं। मेरी भी बहू है, बेटी है, माँ है, सबको दबा के रखता हूं। साली रात में मेरे जैसे कुत्ते बोटियां देखेंगे तो छोड़ेंगे थोड़े ना। बहुत बहुत उछल रही थी, काट दिया साली का पंख, अपनी आजादी दिखा रही थी। मैंने तो किसी को मारा नहीं और ना किसी को मारूंगा। सारा समाज मेरे साथ है। निर्मला काम वाली बाई, उसका बेटा राम प्रसाद,
अच्छा दुर्गी गांव से आया था? हाँ। सुना तो है मैंने। उसे जेल हो गई है। ओह गॉड। यस मम्मा, ट्रू। मेरे क्लास में भी ऐसा हुआ है। हिमांशु लड़का है ना मेरे क्लास में, वो भी मोलेस्टेशन केस में इन्वॉल्व था। फिर क्या हुआ? जुवेनाइल की वजह से बेल आउट हो गया और वापस स्कूल आ गया। अरे ये तो होना ही था, इसलिए तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ उस परिवार से कोसों दूर रहे। सही है, ये लोग अपनी मौज मस्ती में अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को संकट में डालते हैं, इनका तो बेड़ा गरक। अच्छा आपने उस क्रिमिनल राकेश के बारे में सुना है? नहीं। उसका तो जो बुरा हाल है, उसकी तो नौकरी भी चली गई, उसके बच्चे ना स्कूल जा पाते हैं, और ये तो छोड़ो उसके परिवार वालों में से एक साथ पड़ोसी वगैरह सब उनके परिवार से गुस्से से पड़े हुए हैं। पर उसकी तो बहन की शादी होने वाली थी, उसका क्या हुआ? अरे उसकी बहन की शादी के बारे में भूल ही जाओ तो अच्छा है, वो अपने परिवार के साथ जी ले वही बहुत है। ऐसे अपराधियों के घर में कौन अपनी बहन बेटी देगा? करेक्ट। मेरे रूह की आवाज आज जाग उठी है, तेरी शैतानी दहाड़ अब ना मुझे तोड़ सकेगी। आज नींद से जागी हूँ मैं, अब चुप ना रहूंगी। बच्चों बच्चों की जबान से अब फूट पड़ूंगी। ओ शैतान तेरी दहशत अब ना मुझे झुका सकेगी। चला जा चला जा, ना बन तू अब मासूम। सिसक सिसक के घुट घुट के जो बहा रही थी मैं आंसू, आज ताकत है मेरी और तोड़ के रहूंगी अब हिम्मत तेरी। मेरे रूह की आवाज आज जाग उठी है। देखिए पहली बात तो ये है कि हम उन मासूम लड़कों को दोष ना ही दे सकते। सुबह से काम करके थके बच्चे थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? गलती तो लड़कियों की है जो खुलेआम घूमती है। दो हाथ मार के घर में बिठाई दो ससुरी को। औरत को भगवान ने रसोई के लिए बनाया है, ना कि शर्ट पैंट चढ़ा के निकली सड़क पे। अब जब मर्द बनने की कोशिश करोगी तो यही होगा।